घाटी ईटानगर के विधायक जेडीयू के विधायक जेडीयू के उम्मीदवार आराम से कीजिए आराम से सर क्या कहने सर सर फर्स्ट रिएक्शन सर इधर सर 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 फर्स्ट रिएक्शन बोलिए जीत का बात फर्स्ट रिएक्शन आपको कैसे लग रहे सर मैं आज ये हमारा पहले इलेक्शन नहीं है ये हमारा तीन बार होने जा रहा है और तीन बार हम साथी पे खेत लिया है तो इसमें मैं इस जीत को जो हमारा जो ईटानगर की माता पिता भाई बहन हर जनजात को मैं देता हूँ साथी मैं हमेशा कहता हूँ ईटानगर एक मिनी इंडिया जैसा है हर जनजातियाँ रहता है अच्छा भी रहता है बुराई भी रहता है जो भी हो ईटानगर के लिए अच्छा के लिए हमने इस दस साल में काम करने कोशिश किया डेवलपमेंट में तो इस बार फिर उन लोग मेरा जो काम काज को देख के ईटानगर का जो एक लीडर होने का नाते उन लोग मेरा काम काज को देख के इन लोग ने मुझे वापस आने तक का मदद किया हर माता पिता और ये जो इलेक्शन में बहुत कम समय मेरा जितना दोस्त है जितना साथी है जो मेरा कार्यकर्ता इलेक्शन एजेंट से लेकर जिसको जो भी पुतपुलो दिया है इन सभी ने हर सेक्टर कॉलोनी में दिन रात एक करके उन लोग मेहनत किया उसका जो मेहनत का जो पल है मेरा सारे कार्यकर्ता को मैं देता हूँ और मैं बाकी जितना है हर माता पिता भाई बहन आप सभी मीडिया को दे रहा हूँ तो मेरा जो जीत है और मैं कोशिश करूँगा आने वाला जो 15 साल में जो हमने 10 साल तो कर चुका है इस 5 साल में और बेहतर ईटानगर को मैं देने का मैं कोशिश करूँगा सर आपको बीजेपी की टिकट नहीं मिला जेडीयू से खेला आप क्या बोलेंगे देखो समय समय की बात है और ईटानगर स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं आप इसको कैसे ले जाएंगे उसको बीजेपी टिकट नहीं दिया बोल के उसका हमारा कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती होता है और क्या जाने उन लोग का गलती में हो सकता है फिर क्या जाने हमारा गलती भी हो सकता है इसको हम उन सभी को भी हम बदनाम करने का बा वो हमको नहीं दिया बोल के हम गुस्सा करने का जब हमको टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी का ऑफिस में गया है एड ऑफिस में जाकर हम आराम से अपना रिजर्वेशन देकर सभी को मैं मिल के आया हूँ और मैं उस समय में सभी का साथ दोस्तीबाजी है सभी का साथ प्यार करता हूँ और आज भी मैं इसी तरह हूँ सर आपका जनरल सेक्रेटरी से नेशनल जनरल सेक्रेटरी से बात हुआ उन्होंने बोला कि अलायंस करने के बाद मंत्रित्व लेंगे आप कौन सा पोर्टफोलियो लेना चाहेंगे देखो हो जो है आज अभी कोई हमारा पार्टी मीटिंग ही नहीं हुआ अरे बोलने में कौन मना करता है आप जैसे मीडिया पूछेगा तो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा आप जैसे पूछा इसी तरह की जवाब तो मिलेगा तो इसीलिए ये जो है मीटिंग होगा अभी पार्टी का मीटिंग होगा मीटिंग में जो तय होगा उसी में जाएगा सर सुनने में आया है कि कौन सा का इंसिडेंट को लेके आपका भी ऊपर में सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गया है तो आप क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी दिया गया सर देखो ये तो बड़ा दुख की बात है हर इंसान को इसी तरह नहीं करना चाहिए हम हमेशा बोलता है एक दिन तो हर इंसान एक दिन तो जाना है चाहे वो राजा हो चाहे हो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे एमएलए हो चाहे भिखारी हो चाहे पियोन हो चाहे यूडीसी एलडीसी हो चाहे गवर्नर एक दिन तो जाना है उसको गोली मारने का क्या जरूरी है एक दिन तो मरेगा ही तो इसलिए जो भी मारा जो भी काम किया उसको मैं निंदा करता हूँ और भगवान से हमारा दुआ है उनका जो फैमिली मेंबर जो है उन्हें उबर के आने तक भगवान उन्हें मदद करे सेवा करे और कम से कम उन फैमिली में और दुख दर्द को उनका जो उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी माँ बहनें हैं उनका कम से कम शांति होने का हम एक इंसान होने का नाते आज भी मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे भी इसी तरह की बहुत बोलता है लेकिन मैं एडिशनल हम मांगा नहीं है